आज हम मोदक बनाएंगे। मोदक ये हम तलने वाले मोदक बनाने वाले हैं। मोदक बनाने के लिए 2 कप मैदा लिया है, सॉल्ट, शुगर, 2 टेबलस्पून घी और पानी। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, पाउडर शुगर डाल लेंगे। पाउडर शुगर है ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून है। घी डाल लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी मैदे में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भिगो लेंगे। मैदा हमने भिगो लिया है, अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने देते हैं। तब तक हम मोदक के लिए जो स्टफिंग लगेगा वो बना लेंगे। एक पैन हमने गैस पे रख दिया है, अब हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। घी अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें 1 कोकोनट को अच्छे से फाइनली ग्रेट कर लिया है, वो डालेंगे। इसे 2-3 मिनट तक हम इसे भून लेंगे। से उसमें अब हम गुड़ ऐड करेंगे। 1/2 कटोरी गुड़ लिया है। इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स मैंने ये बारीक बारीक काट लिए हैं। बादाम और काजू लिया है। आप इसमें रेजिन्स भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे थोड़ा ड्राई कर लेंगे। अब हम इसमें वेलची पाउडर ऐड करेंगे, साथ में ये जायफल थोड़ा सा ग्रेट करके ऐड कर देंगे। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग अच्छे से ड्राई हो गया है। अब हम इसे गैस बंद करके ठंडा होने देते हैं। घोला लेंगे, मैदा लगा लेंगे इसे और इसके
से पूरी बना लेंगे। एक पूरी लेंगे, बीच में जो हमने फ्रेश कोकोनट का स्टफिंग बनाया है वो डालेंगे, इसी तरह से हम सारे मोदक बना लेंगे। मोदक हमने अच्छे से स्टफ कर लिए, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। ऑयल जो है ये अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें मोदक फ्राई करने के लिए डालें। अच्छे से तल लिए हैं, अब हम इन्हें एक डिश में निकाल लेंगे और जो बाकी है उन्हें तल लेंगे। मोदक बनकर तैयार है, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक मोदक को हम तोड़ के देखते हैं, एकदम क्रंची और अंदर से ये स्टफिंग सॉफ्ट लग रहा है।